Assalamu alaikum, aspirants. Today we are going to start with the subject of European history and we will discuss all the outline topics one by one. So let's start with the first topic. The French Revolutions and Napoleonic Era 1789 to 1815. So is topic mein hum discuss karenge the causes of French Revolutions ke point ko, the consequences of revolutions, Napoleon rise to power, then we will discuss creation of power, the continental system, the fall of Napoleon. Francisi Inqilab ke asbab kya the? So the causes of the French Revolution. Isme humare paas discuss karenge ke kaun se maashi masail ne Francisi Inqilab ko janam diya. Samaji nahamariyon ke baare mein discuss karenge ke kaun si aise samaji nahamariyan thi jinhone inqilab mein kidar ada kiya aur kya kidar ada kiya. Then we will discuss ke roshan khayale ke kaun se khayalat ne inqilab ke upar asar dala tha. Badshah Louis सोलवी को कमजोर रहनुमा क्यों समझा जाता था इसके अंदर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अमेरिकी इंकलाब ने फ्रांस को कैसे मुतासिर किया और दूसरा हमारा पॉइंट है द कंसीक्वेंसेस ऑफ रेवोल्यूशन और इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि फ्रांसीसी जो इंकलाब के नतीजे क्या थे यानी इंकलाब के दौरान फ्रांसीसी बादशाहत का क्या हुआ और इंकलाब के बाद कौन से समाजी असलाहत मुतारिफ हुई थी इसके अंदर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि खौफ और दहशत के दौर से क्या मुराद है और उसने उसे किसने चलाया इनकलाबी नजरियात के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकलाबी नजरियात फ्रांस से बाहर कैसे फैले इनकलाब के बाद फ्रांस में कौन ताकत में आया था उसके बाद हमारा पॉइंट है नेपोलियन राइज टू पावर और इसमें हम देखेंगे कि नेपोलियन ने फ्रांस में मकबूलियत कैसे हासिल की थी और उसके बाद 18 ब्रोमियर का तख्त उलटना क्या था इसके अंदर नेपोलियनी कोड की अहमियत क्या थी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन फ्रांस का शहनशाह कैसे बना उसके बाद हमारा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ एम्पायर यानी फ्रांसीसी सल्तनत का क्या इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन ने फ्रांसीसी सरहदों को कैसे बढ़ाया कैसे वसी किया नेपोलियन ने अपनी सल्तनत में खानदानी अफराद को क्या किरदार दिया था और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन ने मकबूजा इलाकों में कौन सी असलाहत मुतारिफ कराई थी इसके बाद हमारा पॉइंट है कॉन्टीनेंटल सिस्टम का कॉन्टीनेंटल सिस्टम का मकसद क्या था हम इसको पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि यह क्यों नाकाम हुआ था और कॉन्टीनेंटल सिस्टम का यूरोप पर क्या असर पड़ा देन हमारा पॉइंट है द फॉल ऑफ नेपोलियन नेपोलियन का जवाल और इनमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन ने रूस पर हमला क्यों किया था और इसके नतीजे क्या निकला इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन के 100 दिन क्या थे नेपोलियन को आखिरी शिकस्त के बाद कहाँ जलावतन किया गया था लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि फ्रांसीसी इनकलाब ने मुस्तकबिल की जमहूरी तहरीकों पर कैसे असर डाला था और नेपोलियन ने यूरोपीय सियासत के ऊपर किस तरह असर डाला सो कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम सबसे पहले जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस की वजूहात को डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी वजूहात थी जो इस फ्रांसीसी इनकलाब की वजह बनी सो फ्रांस फेस्ड अ सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू इयर्स ऑफ द वॉर एंड एक्सेसिव स्पेंडिंग बाय द मोनार्की Major financial burdens include debts from supporting the American Revolution, expensive lifestyles of the nobility, and insufficient revenue collection methods. اقتصادی مسائل کیا تھے کہ فرانس کو جنگوں اور بادشاہت کے بھاری اخراجات کی وجہ سے سنگین مالی بحران کا سامنا تھا اور امریکی انقلاب میں جو مدد تھی اور عمرہ کی پرتش زندگی اس کے علاوہ ناکافی مالی وسائل تو یہ سب اسباب تھے جو فرانسیسی معیشت کے اوپر جنہوں نے یعنی کہ بوجھ डाला और जो बोझ बढ़ता गया था और टैक्सेस भी ज्यादा थे लेकिन जो ज्यादातर आम लोग थे यानी तीसरे तबके के लोग इनके ऊपर टैक्सेस ज्यादातर आयद होते थे और बाकी जो दूसरे तबके होते थे जिनके अंदर पादरी थे अशराफिया थे उनको बड़ी हद तक इन टैक्सेस से अस्तसना हासिल था उसके बाद हम दूसरी इसकी वजह डिस्कस करते हैं यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो जो है सोशल इनइक्वालिटी यानी कि समाजी ना हमारी French society was divided into three main estates. یعنی فرانسیسی جو معاشرہ تھا وہ تین بنیادی طبقات میں تقسیم ہو گیا تھا جو پہلا طبقہ تھا ان میں پادری تھے اور دوسرا طبقہ اشرافیہ کا تھا جن کو مراحت حاصل تھی اور جن میں کم یا نہ ہونے کے برابر ان کے اوپر ٹیکس یعنی کہ ٹیکس ان کے اوپر تھا اور تیسرا طبقہ جو تھا وہ عام لوگوں کا تھا جس میں کسان تھے مزدور تھے اور اس کے علاوہ بورژوا تھے یعنی درمیانی طبقہ مڈل کلاس جو ٹیکس کا زیادہ تر بوجھ यही तबकात उठाते थे और ये जो इनइक्वालिटी थी इस इनइक्वालिटी ने यानी अनरेस्ट को सोशल अनरेस्ट को पैदा किया तब्दीली के ख्वाहिशात को इस तरह के जो चीज़ें थी वो बढ़ा रही थी देन इन्फ्लुएंस ऑफ द इनलाइनमेंट आइडियाज यानी रोशन ख्याली के ख्यालात का क्या असर हुआ था तो रोशन ख्याली के मुफक्किरीन थे जिसके अंदर जॉन लॉक था
वॉल्टेयर था, रोसो ने तमाम जो मसावात थी, आज़ादी और फर्द के हकूक की उन्होंने तरजीह की तरवीज की थी। तो इन ख्याल ने लोगों को बादशाह के इकतदार को भी चैलेंज किया और अवामी नुमाइंदगी पर अपनी हुकूमत का मुतालबा करने की भी तरगीब दी। वीक लीडरशिप ऑफ लुईस 16। लुईस सोलहवीं की कमजोर क्यादत क्या थी? बादशाह लुईस सोलहवीं को फैसला साजी में कमजोर और फ्रांस के मसाइल को मौसर तरीके से हल ना करने की वजह से तनकीद का सामना था। सो हिज फेलियर टू रिफॉर्म द टैक्स सिस्टम एंड हिज इनडिसीजंस इन फेसिंग द क्राइसिस लेफ्ट द नेशन इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड एंड लुकिंग फॉर चेंज। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहत ना कर पाना और मौशी बहरान का सामना करने में नाकामी ने कौम को मायूस और तब्दीली के लिए बेचैन कर दिया था। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या इन्फ्लुएंस था? अमरीकी इनकलाब ने फ्रांसीसियों को एक ज़ालमाना हुकूमत को ख़त्म करके आज़ादी और मसावात के ऊपर मबनी जो निज़ाम था वो कायम यानी कि करने का इम्कान दिखाया। तो फ्रांस में भी बहुत से लोगों ने अपनी रियासत में इसी तरह की तब्दीली के ख्वाब देखे थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये थी वजूहात और उसके बाद हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को यानी कि डिस्कस करते हैं कि फ्रांसीसी इनकलाब के नतायज क्या थे। तो इसके इस यानी फ्रांसीसी इनकलाब का फ़ायदा ये हुआ कि बादशाहत का खात्मा हो गया था और जमहूरियत का क्या अमल में आया था। इस इनकलाब ने 1793 में बादशाह लुईस सोलहवीं की सजाए मौत के बाद जमहूरी निज़ाम का क्याम किया था जिसने बादशाहत का भी खात्मा कर दिया और अवामी हकमियत का नज़रिया जो था वो मुतारिफ़ करवा दिया। इसके बाद है सोशल रिफॉर्म। तो इनकलाब ने अशराफिया और पादरियों को जो यानी मरात हासिल थी वो ख़त्म कर दी। जागीरदारी का भी खात्मा हुआ था और तीसरे तबके के लिए बराबरी और मौके में इजाफा हुआ। उसके बाद होप और दहशत का दौर था, रेन ऑफ टेरर। तो 1793 टू 1794 में इनकलाब ने एक पुरतशद दौर इख्तियार किया था जिसमें ज़्यादातर जो यानी सस्पेक्टेड थे एनिमीज यानी मुश्तबा दुश्मन उनको मौत की सज़ा जो है वो दी गई थी। और इस दौर को दहशत का दौर भी कहा जाता है जिसने होप और इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया था। देन सेपरेट ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियल। उसके बाद इनकलाबी नज़रियात फैले, इनकलाबी नज़रियात का फैलाव था कि आज़ादी मसावात और अख़ुवत के जो ख्याल थे वो फ्रांस से बाहर फैल कर यूरोप और पूरी दुनिया में जमहूरी तहरीकों को मुतासर करने लगे थे। ठीक है, सो दिस एडल्ट चैलेंज द मोनार्कीज एंड फ्यूडल सिस्टम प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यानी ये जो नज़रियात थे ये बादशाहतों और जागीरदाराना निज़ाम को चैलेंज करते हुए अवामी नुमाइंदगी की हुकूमत को फ़रोग देते रहे। देन हम नेपोलियन बोनापार्ट के अरूज को डिस्कस करते हैं। तो इनकलाब के बाद अफरा तफरी के दौर में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस्तेहकाम और निज़ाम की बहाली का वादा करते हुए ताकत हासिल की थी। सो और जल्द ही यूरोप के जो सबसे वो ताकतवर रहनुमा भी बन गए थे जिसने नेपोलियन का जो है वो दौर शुरू हुआ। उसके बाद नेपोलियन राइज टू पावर। नेपोलियन का अरूज हुआ, इब्तदाई फौजी उनकी जो कामयाबियाँ थी वो क्या थी कि नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रियन फौजों के खिलाफ कामयाबी हासिल करके उन्होंने पॉपुलरिटी हासिल की थी। सो और उसके जो फौजी सलाहियत थी उसने फ्रांस में उनको हीरो बना दिया था और उस अजमत और अज़्म का जो है वो शोहरत भी उनको दिलाई। एक कोप ऑफ 18 ब्रोमाइल। फिर 18 ब्रोमाइल का तख्ता उल्टा गया कि 1799 में नेपोलियन ने सियासी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो इनके हुकूमत का मंसूबा नाकाम बनाया था और कौंसल का क्या अमल में आया था। इसने पहला कौंसल यानी बनकर फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था। देन एस्टेब्लिशिंग द नेपोलियन कोड। फिर नेपोलियन कोड का क्या अमल में आया था कि टू सोलिफाइज पावर नेपोलियन इंट्रोड्यूस द नेपोलियन कोड। अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए नेपोलियन ने नेपोलियन कोड मुतारिफ करवाया था जो मसावात के ऊपर मबनी था, मजहबी रवादारी और मेरिट की बुनियाद के ऊपर हुकूमती जो तकर्रियाँ थी उनको ये कोड फ़रोग देता था। उसके बाद है क्रोनिंग एज एम्परर। यानी शहनशाह की ताज पोशी थी 1804 में। नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का शहनशाह मुकर्रर किया और इस इकदाम ने जमहूरी इकदार के अख्ताम के लिए और तोसी पसंद अमराना निज़ाम की बुनियाद भी डाली। दिन क्रिएशन ऑफ द फ्रेंच एम्पायर। व फ्रांसीसी सल्तनत का क्याम अमल में आया। इसमें फतवाहत कौन सी थी और किस तरह से तोसी हुई? तो नेपोलियन ने यूरोप में तेज़ी से फ्रांस की जो सरहदें थी उनको फैला दिया। ठीक है, और इसमें जो इटली था, स्पेन और इसके अलावा नैदरलैंड, इस तरह के जो ममालिक थे उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। सो हिज गोल वाज टू क्रिएट अ वेस्ट यूरोपियन एम्पायर अंडर फ्रेंच रूल। अलायंसेस एंड फैमिली रूल। इतिहाद और ख़ानदानी हुक्मरानी कायम की गई। नेपोलियन ने अपने कब्जे में इलाकों में नेपोलियनी असूल उन्होंने नाफिज किए थे।
फॉर एग्जाम्पल हिज ब्रदर जोसेफ बोनापार्ट बिकेम किंग ऑफ द स्पेन, जिस तरह से उनका जो यानी के भाई था वो जोसेफ बोनापार्ट वो स्पेन का बादशाह बन गया था। तो इसके बाद जो रिफॉर्म्स की गई यानी के कंक्यूड टेरिटरीज के अंदर मकबूजा इलाकों में इस्लाहत की गई, नेपोलियन ने अपने कब्जे में के अंदर जो उसके कब्जे में इलाके थे उनमें नेपोलियनी जो असूल थे उनको नाफिज किया था, जिनमें मजहबी रवादारी भी थी और मेरिट की बुनियाद के ऊपर हुक्मरानी जैसे असूल भी शामिल थे। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कॉन्टीनेंटल सिस्टम का, इसका पर्पज क्या था और इसके मकासद क्या थे। तो कॉन्टीनेंटल सिस्टम जो था ये नेपोलियन का बरतानिया को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने का एक मनसूबा था, जिसमें यूरोप और बरतानिया के दरमियान तिजारत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। सो चैलेंजेस एंड फेलियर्स, इसके अलावा चैलेंजेस और नाकामी थी कि ये निज़ाम जो था वो कई मुश्किलात का शिकार रहा था, क्योंकि यूरोप के जो कई ममालिक थे उनको बरतानवी जो अशिया थी उनके ऊपर उनका इनसार था और पाबंदी को नाफिज करना उनके लिए मुश्किल साबित हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि यूरोप के ऊपर इक्तसादी इसके असरात क्या थे इस सिस्टम के। तो कॉन्टीनेंटल सिस्टम जो था बैकफायर्ड, यानी यूरोप में मौशी मुश्किलात का ये बायस बना था और फ्रांसीसी सल्तनत के खिलाफ इस निज़ाम ने जो है वो नफरत को भी बढ़ाया था। सो कंट्रीज डिपेंड ऑन ब्रिटिश ट्रेड पेस शॉर्टेजेस एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वीकनिंग सपोर्ट फॉर द फ्रेंच एम्पायर। देन फॉल ऑफ नेपोलियन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉल ऑफ नेपोलियन, 100 दिन और वाटरलो, इसके अंदर देखेंगे नेपोलियन का जवाल, रूस के ऊपर हमला कैसे हुआ था। तो 1812 में नेपोलियन ने रूस के ऊपर हमला किया ताकि उसे कॉन्टीनेंट सिस्टम में शामिल कर सके, लेकिन ये जो उसकी मुहिम थी ये इंतहाई नुकसानदेह साबित हुई थी। और उसके बाद इसमें द सिक्स कोलेशंस और डिफेट्स थी, यानी कि रूस के ऊपर नाकाम हमले के बाद जो सिक्स कोलेशन है इसने नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई की और 1814 में इसे माजूल करके एल्बा जजीरे के ऊपर उसको जलावतन कर दिया था। देन 100 डेज इन वाटरलू, फिर 1815 में नेपोलियन यानी एल्बा से वो फरार होकर वापस फ्रांस आया था, लेकिन जो वाटरलू की जंग थी उसमें शिकस्त के बाद उसे सेनेट हेलेना की तरफ उसको जलावतन कर दिया गया था। सो दिस फाइनल डिफीट लेड टू हिज सेकेंड अबडिक्शन इन एक्साइल टू द आईलैंड ऑफ द सेंट हेलेना वेयर ही रिमेंड अंटिल हिज डेथ in 1821. The French revolutions in the Napoleonic era fundamentally reshaped France and Europe. The revolutions called for liberty, equality and fraternity, weakened the absolute monarchy and inspired future democratic movements worldwide. तो फ्रांसीसी इनकलाब और नेपोलियन जो दौर था उसने यानी फ्रांस और यूरोप को बुनियादी तौर पर बदल दिया था और इनकलाब की आज़ादी मसावात और अख़ुत की आवाज़ ने भी बादशाहत को कमज़ोर करके दुनिया भर में जो जमहूरी तहरीकें थी उनको मुतासर किया और नेपोलियन ने इनकलाब की अफरा तफरी से यानी अरूज पाया, अरूज पाकर उसने एक सल्तनत कायम कर ली। सो जिसमें हमने डिस्कस किया है कि फ्रांसीसी इनकलाब के असबाब क्या थे, कौन से मौशी मसाइल ने फ्रांसीसी इनकलाब को जन्म दिया था, यानी फ्रांसीसी हुकूमत ने शदीद माली बहरान का वो शिकार थी और अमरीकी इनकलाब में मदद देने में भी और शाही दरबार के जो अखराजात थे उनके ऊपर भी मुल्क के ऊपर यानी कि कर्जों का बोझ इन तमाम चीज़ों ने बढ़ा दिया था। तो अमीरों के ऊपर कम टैक्स था जबकि आम लोग जो थे यानी तीसरी जो जमात थी तीसरे तबके के लोग थे उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया गया था, फिर जिससे अवाम में बेचैनी फैल गई थी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन होता है, राइज होता है कि समाजी नाहमवारी ने यानी सोशल इंस्टेबिलिटी ने इनकलाब में क्या किरदार अदा किया। तो फ्रांसीसी मुआशरा जो था वो तीन तबकों में तकसीम था, जिसने हमने डिस्कस किया है, जिनमें पहले और दूसरे तबके को खसूसी मराहत हासिल थी जिनमें पादरी और अशराफिया थे और उनके ऊपर कम टैक्स था, जबकि तीसरी जमात को हमने डिस्कस किया कि जिसमें किसान थे, मजदूर थे और दरमियानी तबके के लोग शामिल थे, तो ये ज़्यादातर जो ये तबका थे ये टैक्स का बोझ बर्दाश्त करते थे और इस नाइंसाफी ने भी बगावत का एक जज्ब पैदा कर दिया था। देन हमने डिस्कस किया रोशन ख्याली के कौन से ख्यालात ने इनकलाब के ऊपर असर डाला। तो रोशन ख्याली के मुफक्किरीन थे जॉन लॉक, वाल्टर रूसो, उन्होंने मसावात, आज़ादी और अनफरादी हकूक के नज़रियात पेश किए जिससे लोगों में बादशाहत और मदात याफ्ता जो तबके थे उनके खिलाफ सवालात भी उठने लगे थे और एक मुंसफान हुकूमत का मुतालबा भी बढ़ गया। देन हमने डिस्कस किया कि बादशाह लुईस सोलहवीं को कमज़ोर रहनुमा क्यों समझा जाता था। लुईस सोलहवीं को फैसला करने में कमज़ोर समझा जाता था, वो गैर फाल उनको समझा जाता था
वो मुल्क के मारी वसाइल को हल ना कर सके, टैक्स के निज़ाम में तब्दीली लाने में भी नाकाम रहे, जिससे फिर आवाम में मायूसी भी पैदा हुई और तब्दीली की ख्वाहिश भी पैदा हुई। देन हमने डिस्कस किया कि अमरीकी इनकलाब ने फ्रांस को कैसे मुतासर किया था। तो अमरीकी इनकलाब ने यह साबित किया कि एक जालिम हुकूमत का खात्मा किया जा सकता है और आज़ादी और मसावात की बुनियाद के ऊपर नई हुकूमत कायम की जा सकती है। तो इस कामयाबी ने फ्रांसीसी अवाम को भी अपनी आज़ादी की कोशिश के ऊपर आमादा किया था। हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया कि फ्रांसीसी इनकलाब के नतायज क्या थे और इनकलाब के दौरान फ्रांसीसी बादशाह का क्या हुआ था। इनकलाब के दौरान बादशाह लुई सोलहवीं को फांसी दी गई थी और फ्रांस में बादशाह का खात्मा कर दिया गया था। तो एक जमहूरी हुकूमत का क्याम अमल में आया था जिसमें अवाम की बलादस्ती का कंसेप्ट पेश किया गया था। देन हमने डिस्कस किया कि इनकलाब के बाद कौन से समाजी असलाहत मुतारिफ हुई थी। इनकलाब के बाद जागीरदारी निज़ाम का खात्मा किया गया था, अवाम को ज़्यादा बराबरी के मसावी हकूक दिए गए थे, अशराफी और मजहबी तबके के जो मराहत थी वो ख़त्म कर दी गई थी जिससे अवाम को बेहतर मौके मिले और आज़ादी भी मिली। उसके बाद हमने देखा कि खौफ और दहशत के दौर से वो खौफ और दहशत का दौर क्या था और उसे किसने चलाया था। खौफ और जो दहशत का दौर था रेन ऑफ टेरर, ये 1793 टू 1794 का वो वक्त था जब मैक्सिमिलियन होस्पर ने इनकलाबी दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी और इस दौर में हज़ारों अफराद को फांसी दी गई जिससे पूरे मुल्क में खौफ हरास फैल गया था। उसके बाद हमने देखा कि इनकलाबी नज़रियात फ्रांस से बाहर कैसे फैले। तो फ्रांस के इनकलाबी नज़रियात ने यूरोप और दुनिया भर में जमहूरी तहरीकों को जन्म दिया था। इनमें आज़ादी, मसावात और भाईचारे के नज़रियात ने भी बाकी ममालिक के अंदर आवाम को बादशाहत और जागीरदारी जो निज़ाम था उसके खिलाफ तहरीकों के लिए मुतासर किया था। इनकलाब के बाद फ्रांस में कौन ताकत में आया था। इनकलाब के बाद पैदा होने वाले अदम इस्तेकाम ने नेपोलियन बोनापार्ट को ताकत में आने का मौका दिया था और इसने अवाम में अमन और स्टेबिलिटी का वादा करके फ्रांस के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। उसके बाद हमने पॉइंट डिस्कस किया नेपोलियन का अरूज। तो नेपोलियन ने फ्रांस में मकबूलियत कैसे हासिल की थी। नेपोलियन ने अतालिया के अंदर राष्ट्रीय फौज के ऊपर फतूहत के जरिए मकबूलियत हासिल की थी और फ्रांस में हीरो के तौर पर भी पहचाने जाने लगे थे। उसकी जो फौजी महारत थी और ताकत थी उसने अवाम का एतमाद जीत लिया था। उसके बाद हमने पॉइंट देखा 18 ब्रोमेयर का खात्मा किस तरह से हुआ था। तो 1799 में नेपोलियन ने 18 ब्रोमेयर के तख्त उतरने के जरिए हुकूमत का खात्मा कर दिया था और कंसुलेट का क्याम किया था। तो इसने खुद को यानी फर्स्ट कौंसल मुकर्रर करके फ्रांसीसी हुकूमत के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। देन हमने देखा नेपोलियन कोड के बारे में कि नेपोलियन कोड क्या अहमियत थी। नेपोलियन ने नेपोलियनी कोड इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें बराबरी, मजहबी आज़ादी और मेरिट के ऊपर मबनी तकर्रियाँ की गई थी। इस कानून ने मुल्क में स्टेबिलिटी पैदा की और उसे बाद में यूरोप के कई हिस्सों में भी नाफिज किया गया। देन हमने डिस्कस किया कि नेपोलियन फ्रांस का शहंशाह कैसे बना था। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का शहंशाह कहा था जिससे जमहूरियत का खात्मा हुआ और उसकी ताकत और असर रसूख को जाहिर किया। फ्रांसीसी सल्तनत का क्याम क्या था। नेपोलियन ने फ्रांसीसी सरहदों को कैसे वसी किया। फ्रांस यानी क्रिएशन ऑफ द एम्पायर। इस पॉइंट में हमने देखा कि नेपोलियन ने अपने फौजी कंपेन्स के जरिए इटली, स्पेन और नीदरलैंड समेत यूरोप के कई ममालिक को फतह किया था और फ्रांस के जरिए असर रखा था। देन हमने इसी पॉइंट के अंदर देखा कि नेपोलियन ने अपनी सल्तनत में खानदानी अफराद को क्या किरदार दिया था। नेपोलियन ने अपने खानदान के अफराद को मुख्तलिफ मकबूजा इलाकों का हुक्मरान मुकर्रर किया था, जैसे उसके भाई जोसेफ को स्पेन का बादशाह बनाया गया था ताकि सल्तनत में मजबूती को बरकरार रखा जा सके। नेपोलियन ने मकबूजा इलाकों में कौन सी असलाहत मुतारिफ करवाई थी। नेपोलियन ने इन इलाकों में नेपोलियनी कोड मुतारिफ करवाया, मजहबी आज़ादी को फ़रोग दिया, मेरिट के ऊपर मबनी निज़ाम को नाफिज किया जिससे इन इलाकों में जदीद याद आई थी। उसके बाद हमने कॉन्टीनेंटल सिस्टम का देखा कि इसका मकसद क्या था। तो कॉन्टीनेंटल सिस्टम का मकसद था कि बरतानिया की मईशत को कमज़ोर किया जाए और इसका यूरोप के साथ ईजादी ताल्लुकात को रोका जाए। फिर कॉन्टीनेंटल सिस्टम के नाकाम क्यों हुआ था, इसकी वजूहत क्या थी। यूरोप के कई ममालिक बरतानवी मसनूआत के ऊपर इनसार करते थे, ठीक है, और बरतानिया के बहरी कंट्रोल ने उसे आलमी सतह के ऊपर तजारत जारी रखने में मदद दी थी। तो इसके अलावा यूरोप में इक्तसादी मसाइल भी पैदा हो गए थे। लेकिन हमने देखा कि कॉन्टीनेंटल जो यानी सिस्टम था इसका यूरोप के ऊपर क्या असर पड़ा था। कॉन्टीनेंटल सिस्टम की वजह से यूरोप में इक्तसादी मुश्किलात पैदा हुई थी जिससे लोगों में नेपोलियन के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ था। नेपोलियन का जवाल कैसे है या नेपोलियन ने रूस के ऊपर हमला क्यों किया था और इसका नतीजा क्या निकला था। नेपोलियन ने रूस को कॉन्टीनेंटल सिस्टम में शामिल रखने के लिए हमला किया था लेकिन रूसी हिकमत अमली और सर्दी की वजह से नेपोलियन की फौज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था जो उसके जवाल की वजह बना। तो उसके बाद हमने देखा 100 कोलेशन
हंड्रेड कोलेशन क्या थी? हंड्रेड कोलेशन में यूरोपीय ममालिक ने नेपोलियन को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद किया था और 1814 में फ्रांस पर हमला करके नेपोलियन को जिला वतन कर दिया था। नेपोलियन के जो है वो 100 दिन क्या थे? 100 दिन उस वक्त को कहा जाता है जब नेपोलियन 1815 में एलबा जजीरे से फरार होकर दोबारा इकतदार में आया, मगर वाटरलू की जंग में शिकस्त के बाद उसे दोबारा जिला वतन कर दिया गया था। और नेपोलियन को आखिरी शिकस्त के बाद कहाँ जिला वतन किया गया था? नेपोलियन को आखिरी शिकस्त के बाद सेने हिलेट जजीरे के ऊपर जिला वतन कर दिया गया था, जहाँ उसका इंतकाल भी हुआ था 1821 में। ठीक है, लास्ट में हमने पॉइंट देखा कि फ्रांसीसी इंकलाब ने मुस्तकबिल की जमहूरी तहरीकों के ऊपर कैसे असर डाला था। तो फ्रांसीसी इंकलाब ने आज़ादी, मसावात और भाईचारे के नज़रियात को फ़रोग दिया, जो आने वाले वक्तों के जमहूरी तहरीकों के लिए यानी कि राह बने उसके लिए। और फिर नेपोलियन ने यूरोपीय सियासत के ऊपर किस तरह से असर डाला था? तो नेपोलियन ने यूरोप के अंदर इस्लाहात और जदीदियत के नज़रियात को फैलाया था और इसकी फतवाहत ने मुख्तलिफ ममालिक में कौमी तहरीकों को तकवीत दी थी। सो यूरोपियन हिस्ट्री के आउटलाइन के जो फर्स्ट टॉपिक है पार्ट वन में, हमने उसको डिस्कस किया है, यानी फ्रांसीसी इनकलाब और नेपोलियन के दौर को, जो कि 1789 टू 1815 तक था। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।